माई सेल्फ नीश परिहार, ठीक है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का टॉपिक था हमारे पास, पंचायती राज एक्ट 1989, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया था, थोड़ी क्विक रिविजन दे दूं उसके लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पंचायती राज है वो किसके अंडर आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। और इसका आइडिया जो हमारे सबसे पहले किसने दिया था, हरि सिंह जी ने दिया था 1935 में, और ये हमारे यहाँ जो एक्ट बना था वो कब बना था, 1989 में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इसके अंडर इलेक्शंस कब हुए, 2001 में। फिर इसके ये एक्ट हमें क्या क्या कहता है कि विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए, हल्का पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया इस जो एक्ट है इसमें 15 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने चैप्टर वाइज पढ़ा, जैसे चैप्टर वन पढ़ा उसमें मैंने बताया कि ये प्रीलिमिनरी टर्म्स वगैरह जो भी होती हैं इस एक्ट में उसके साथ डील करता है। उसके बाद चैप्टर वन ने मैंने बताया था जो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के साथ डील करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर सेकंड के बारे में बताया था कि हर हल्का में क्या होना चाहिए, हल्का पंचायत होनी चाहिए, उसमें सरपंच होता है जो उसकी कैसे इलेक्शन होती है, नायब सरपंच कैसे इलेक्ट होकर आता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलो अब हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे हमारे पास आता है चैप्टर थर्ड, ठीक है। जो हमारे पास चैप्टर थर्ड आता है, चैप्टर थर्ड में हमारे पास क्या आती है, जो भी पावर्स और फंक्शन है किसके, हल्का पंचायत के, एचपी लिखा है शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब हल्का पंचायत है। ये हमारे पास किसके, सेक्शन 12 के अंडर आती है, किसके अंडर आती है, सेक्शन 12 के अंडर, और शेड्यूल 1 ने। अभी तक हमने किसी भी शेड्यूल की बात नहीं की थी, अभी तक शेड्यूल नहीं आया था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें क्या बताता है, पावर्स और फंक्शंस किसकी, हल्का पंचायत की। भी याद रख लेना, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या बताता है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो हमें बताता है पावर्स और फंक्शंस किसकी, हल्का पंचायत की, ठीक है। अब जो हमारे पास हल्का पंचायत होती है उसके पास क्या क्या पावर्स होती है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं हल्का के लिए, एक जो पंचायत है उसमें जो भी डेवलपमेंट के प्लान्स होंगे, कोई ड्रेन बनानी है या कुछ भी जो बनाना है, वो सारे किसके अंडर आते हैं, हल्का पंचायत के अंडर आते हैं जो भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं, ठीक है। जैसे और उसके बाद हमारे पास जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी चीजें हम कौन किसके पावर्स है फंक्शंस हैं, ये हल्का पंचायत की पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो इनको ये देखना होता है। जैसे आपको पता है वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको नरेगा के अंडर पॉन्ड्स वगैरह बनाने के लिए आते हैं, गाँव में जो रहते हैं उनको पता होगा, तो वो सब किसके लिए होता है, रेन वाटर को स्टोर करके रखना ताकि वो इरीगेशन के लिए किसी पर्पज के लिए यूज हो सके। वैसे सॉइल कंजर्वेशन के लिए प्लांट्स वगैरह लगाने हैं वहाँ पे गाँव पे, ये भी बड़ी सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है लेकिन लोगों को पहुंचाना किसका काम होता है, ये हल्का पंचायत का ही काम होता है। तो इसी तरह से जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं वो सारे लोगों तक पहुंचाना, लोकल लेवल पे लोगों तक पहुंचाना, वो किसका काम होता है, हल्का पंचायत का काम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई नई वैरायटी के सीड्स आ रहे हैं, कोई हाइब्रिड प्लांट्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, वो लोगों तक लेके आते हैं पंचायत में, वहां से लोगों को फ्री में बांट देते हैं, कई बार आपने देखा होगा गाँव वगैरह में। तो ये सारे किसके फंक्शंस होते हैं, हल्का पंचायत के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे कुछ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं, ठीक है, स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स जो पॉवर्टी वगैरह के लिए होते हैं। जैसे आपको पता ही है जनधन योजना आई थी अभी पीछे, जिन्होंने सबके हर गरीब के भी क्या खोले थे, अकाउंट वगैरह खोले थे, ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना कि ऐसे अपना अकाउंट खुलाओ, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने एमजी नरेगा सुना होगा, ठीक है, एमजी नरेगा सुना होगा, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी एक्ट होता है, इसके तहत क्या होता है कि आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। गांव में ही आपको पता ही होगा बड़े सारे काम होते हैं, जैसे कोई ड्रेन्स बननी, वहां पे लोग क्या होते हैं इकट्ठे होते हैं, उनके कोई जॉब कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसके थ्रू उनको पेमेंट्स वगैरह मिलती हैं। फिर तो ये 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है गवर्नमेंट, ये एमजी नरेगा स्कीम बड़ी देर से चल रही है, पुरानी स्कीम है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्लान पर इसका सब किसके पास होता है, तो फंक्शन हल्का पंचायत के पास ही, वही क्या करेंगे इसमें जो भी पैसा आएगा जो भी आएगा सब कुछ आएगा वो कौन देखता है, हल्का पंचायत देखता है, किसको काम देना है किसको क्या करना है वो सब कुछ कौन देखता है, हल्का पंचायत ही देखता है। तो ये हल्का पंचायत का फंक्शन ही होता है, ठीक है। उसके बाद और फंक्शन इसका क्या होता है, जैसे जो भी फंक्शंस और ड्यूटीज, इनको अगर कोई गवर्नमेंट कोई ड्यूटी दे रही, कोई स्पेशल ड्यूटी दे दी है, जैसे कोरोना पे अगर मान लो जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के लिए कोई ड्यूटी दे दी है कि आपने लोगों को बताना है या लोगों को अपने वैक्सीन लगवाने में हेल्प करना है, उस तरह की कोई ड्यूटीज होगी, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होता है या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है, वो कोई स्पेशल ड्यूटीज अगर उनको दे दे किसको, हल्का पंचायत को परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी उनकी पावर्स और फंक्शंस होते हैं किसके, हल्का पंचायत के, उनको वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हमारे पास चैप्टर फोर आता है। इसके बाद चैप्टर फोर में हमारे पास क्या आता है कि अब जो हल्का पंचायत है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, मतलब उनके अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन 13 जो है इस एक्ट की, उसके अंडर बताया गया कि हल्का पंचायत की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जैसे सबसे पहले आपको पता है
कि गांव में जो रोड्स होते हैं, पब्लिक विलेज रोड्स जिनको बोलते हैं, जो भी पब्लिक विलेज के रोड्स होते हैं, गांव के जो रोड्स होते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, देखो बड़ी सारी हल्का पंचायत ने कोई बिल्डिंग बना दी है, या कोई देखो गांव वगैरह में कोई डंपिंग साइट्स होगी जहां पे गंद वगैरह फेंकते हैं लोग, वो हो गया, या कोई वाटर का रिजर्वायर बनाया है, मतलब पानी का बनाया होता है जहां से पानी बांटा जाता है सब लोगों को, उसको वाटर रिजर्वायर बोलेंगे, वो सब अगर हल्का पंचायत ने बनाया, ये सारी उसकी क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके ऊपर जो भी इसका टैक्स अगर इसके ऊपर आना है, या कोई भी चीजें जो आनी है इसके ऊपर, कोई फंड्स आना है, वो सब किसका होता है? हल्का पंचायत का होता है, ठीक है। उसके बाद बड़ी सारी ड्रेन्स बनाते हैं, या कोई टैंक बनाते हैं पानी का, या कोई चश्मा वगैरह होता है गांव में, या उसके बाद कोई नाला वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी मतलब एक पंचायत के अंडर जो भी चीजें आती हैं, वो सारी किसकी प्रॉपर्टी होती है? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि देखो ये सारी चीजें ही, इन चीजों से ही उनको, हल्का पंचायत को फंड्स भी आने हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक ही क्या है आगे? फंड्स है। क्या है हमारे पास? फंड्स है इसके बाद, ठीक है। तो हमारे पास हल्का पंचायत के जो फंड्स वगैरह हैं वो कैसे कैसे हमारे पास होने हैं, ठीक है, तो हमें पता चलेगा आगे इसके बेसिस पे ही, ठीक। अब हमारे पास आता है चैप्टर फोर, ठीक है। तो चैप्टर फोर हमें क्या बोलता है? प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली है चैप्टर फोर में, और चैप्टर फोर के अंडर ही हमारे पास क्या आता है? हल्का पंचायत के जो फंड्स होते हैं, क्या होते हैं? जो हल्का पंचायत के फंड्स होते हैं वो भी चैप्टर फोर के अंडर ही आते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो फंड्स क्या होंगे? अब देखो हल्का पंचायत के जितने भी जो फंड्स वगैरह सारे होते हैं, उनको कौन ऑपरेट करता है? उन सबको कौन चलाता है? वो चलाता है जो सेक्रेटरी ऑफ पंचायत, मैंने आपको बताया था, जिसको VLW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको VLW बोलते हैं, जिसको वो सारा देखता है। देखो जितने भी अब काम वगैरह होते हैं, जैसे नरेगा के ही काम वगैरह होते हैं, उनका जितना भी जो पैसा वगैरह होता है, जो गवर्नमेंट भेजती है पैसा काम होने के बाद, वो सब सेक्रेटरी के अकाउंट में आता है। सेक्रेटरी कुछ वेंडर्स बोलते हैं उनको, जिन्होंने सेक्रेटरी कोई बंदे रखे होते हैं जिनका अकाउंट दिया होता है, उनके अकाउंट में आता है। फिर वो सेक्रेटरी का काम ही होता है कि जो जो काम जहां जहां हो रहा है, जितना जितना पैसा जो जिसका है उसको बांटना, वो किसका काम होता है? सेक्रेटरी का ही काम होता है। तो हल्का पंचायत के जितने भी फंड्स जो होते हैं हमारे पास, वो कौन ऑपरेट करता है? सेक्रेटरी होता है जो पंचायत का, वो ऑपरेट करता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया फंड्स ऑपरेट करना, लेकिन उनको फंड्स आते कहां से हैं? किसको? हल्का पंचायत को। देखो उनको फंड्स कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी टैक्स उनके पास पावर होती है, किसके पास? हल्का पंचायत के पास, वो टैक्स लगा सके, ठीक है। तो जो भी टैक्स फीस वो लगाते हैं, जो हल्का पंचायत टैक्स फीस लगाती है, वो सब उनके लिए क्या हो जाता है? फंड्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है उनके लिए? फंड्स हो जाते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने, जैसे आपने सुना होगा बड़ी सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ जी एमजी नरेगा के लिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे दिया है लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है उनको? ग्रांट्स है, कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है किसको? हल्का पंचायत को। और फिर हल्का पंचायत ने क्या करना है? अलग अलग जगहों पे उसको इंप्लीमेंट करना है जहां जहां जरूरत होगी, ठीक है। ये उनके लिए भी एक तरह का फंड्स है। दूसरी चीज होगी, देखो कई बार जो अगर कोई गांव के बंदे होते हैं कुछ, वो डोनेशन कर देते हैं या कंट्रीब्यूशन कर देते हैं कि यहां पे ऐसी चीज बननी चाहिए गांव में, तो वो क्या करते हैं? हल्का पंचायत को डोनेट करते हैं कि हमारी तरफ से ये पैसे ले लो और यहां पे ये चीज बननी चाहिए हल्का पंचायत में। तो भी जो डोनेशन वगैरह कंट्रीब्यूशन किसका होता है? जो लोग होते हैं, पब्लिक जो होती है, वो भी डोनेशन करती है। तो ये तो हल्का पंचायत के लिए क्या है? एक सोर्स ही है, फंड्स ही है, पैसा आ रहा है उनके पास, ठीक है। उसके बाद देखो कोई मिल्स वगैरह खुलती हैं, ठीक है, जैसे आटे की मिल हो गई या किसी की मिल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कोई स्लॉटर हाउसेस खुलते हैं, ठीक है, या कोई देखो कोई सिटी से आके वहां पे गांव में बोल दे कि हम एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड वगैरह लगाएंगे, वहां पे होर्डिंग वगैरह जो लगाएंगे बड़ी, तो अब जो हल्का पंचायत होती है वो कहती है हाँ हमारे यहाँ होर्डिंग्स तो लगा रहे हो आप, लेकिन हमें इसके लिए क्या चाहिए? टैक्स दो, इसका टैक्स दो। तो वो फीस कोई उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो जो फीस वो इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है? वो फंड्स के तौर पे हो जाता है। किसके लिए? हल्का पंचायत के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे अब जो गांव होता है हल्का पंचायत के अंडर, जो गांव है वहां पे कोई मेलाज लगते हैं, ठीक है, मेलाज लग रहे हैं, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं? लोगों को बोलते हैं पहले इसकी हमें फीस वगैरह दो। तो उसके लिए सारा क्या होता है? एक सोर्स होता है किसका? फंड्स का। किसके लिए? हल्का पंचायत। तो इस तरह से जो हल्का पंचायत होती है उनकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई क्या क्या होती है, कि प्रॉपर्टी उनके पास जो विलेज रोड्स होंगे, कोई नालाज हैं, कोई स्प्रिंग्स हैं, वो सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं। और फंड्स उनको कहां से आते हैं? जो फंड्स उनके ऑपरेट पहले VLW करता है, उसके बाद जो उनको टैक्स लगाती है पंचायत, वो सारे उनके लिए फंड्स हैं। जैसे गवर्नमेंट उनको कोई ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, वो आ गया। उसके बाद कई बार लोन्स वगैरह भी लेती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन्स वगैरह भी देती है। किसको? लोन्स टू हल्का पंचायत। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है? लोन्स वगैरह भी देती है हल्का पंचायत के लिए, वो भी उनके लिए क्या है? एक तरह का फंड्स ही है उनके लिए, ठीक है। या फिर कोई लोग डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पंचायत में ये कमी है इस चीज़ की, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, और वो देते किसको? हल्का पंचायत को देंगे कि हमारे यहाँ ये डेवलपमेंट का काम करवा दो, ठीक है। मिल्स वगैरह खुल रही है, नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है, या कोई मेलास वगैरह लगते हैं, कोई फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सारी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हल्का पंचायत के लिए क्या होते हैं? फंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होता है? अब जो टैक्स होता है, क्या होता है? टैक्स होता है, वो हल्का पंचायत टैक्स कैसे लगा सकती है, ठीक है। देखो
हल्का पंचायत टैक्स कैसे लगाती है, कोई भी व्यापार कोई भी चीज जो विदिन मतलब जहां तक हल्का पंचायत के हाथ है, मतलब समझ लो जहां तक हल्का पंचायत के हाथ है, जो हल्का पंचायत के अंडर आता है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर जहां तक भी आता है वो कोई भी चीजें हो रही है उस केस पे हल्का पंचायत क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। क्या कर सकती है, हल्का पंचायत टैक्स लगा सकती है। कोई पर्सन है, अगर पर्सन कोई काम कर रहा है हल्का पंचायत के अंडर आके, उस पर्सन के ऊपर 50 रुपए तक का टैक्स लगा सकती है। कितने रुपए का, 50 रुपए का टैक्स लगा सकती है कौन, हल्का पंचायत। ठीक है, उसके बाद देखो कई बार अगर कोई सिनेमा खुल गया, सिनेमा घर है या कोई थिएटर है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज हो रही है, अगर हल्का पंचायत के एरिया के अंडर अंदर हो रही है, तो उस केस पे क्या कर सकती है, हल्का पंचायत 25 रुपए तक का टैक्स उनके ऊपर लगा सकती है। क्या कर सकती है, 25 रुपए का टैक्स उसके ऊपर लगा सकती है। ठीक है, ये भी उनके लिए क्या है, फंड सी है, लेकिन उनके पास ये क्या होती है, पावर होती है कि वो टैक्स लगा सकती है। ये नहीं कोई बड़े लेवल का टैक्स लगा दे जैसे हमारे इनकम टैक्स होते हैं कुछ होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे कि जो कोई भी चीज अगर उनके एरिया के अंडर हो रही है हल्का पंचायत के अंडर, उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। अगर कोई पर्सन कोई ऐसी चीज कर रहा है हल्का पंचायत के अंडर, उसके ऊपर 50 रुपए तक का टैक्स लगा सकती है। ऐसे ही अगर मान लो कोई सिनेमा है, कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज हो रही है हल्का पंचायत के अंडर, उसके ऊपर 25 रुपए तक का टैक्स लगा सकती है। ठीक है, ऐसे ही और देखो, अगर मान लो कोई बंदा है वो क्या करता है, अगर कोई एनिमल है किसी का, कोई जानवर है या कोई व्हीकल है, मान लो हल्का पंचायत का एक बिल्डिंग होती है हल्का पंचायत की, उसका एक पूरा एरिया होता है, उस एरिया के अंडर मान लो कोई अपना जानवर किसी का आ रहा है, उधर जानवर रख रहा है कोई, या कोई अपनी गाड़ी उधर रख रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या करना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी का कोई एनिमल आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी का कोई एनिमल आ रहा है किसके अंडर, हल्का पंचायत के एरिया के अंडर क्या हो रहा है, किसी का कोई एनिमल आ रहा है। ठीक है, तो एनिमल अगर किसी का हल्का पंचायत के अंडर आ जाए, तो एनिमल के केस में उनको क्या करना पड़ता है, 20 रुपए तक का टैक्स देना पड़ सकता है पर एनम। ठीक है, कितने रुपए का, 20 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है किसने, पर एनम। ठीक है, अगर कोई गाड़ी अपनी खड़ी कर रहा है कहां पे, जहां पे हल्का पंचायत है उसके एरिया के अंडर अपनी कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है, तो उसको 50 रुपए तक का टैक्स क्या कर सकता है, पे करना पड़ता है, और ये हल्का पंचायत के पास पावर होती है कि उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकती है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो कोई बड़ी गाड़ी, जैसे मान लो कोई ट्रैक्टर है, अगर कोई ट्रैक्टर पार्क कर रहा है किसके, हल्का पंचायत के एरिया के अंडर, तो उसके ऊपर 100 रुपए तक का टैक्स कौन लगा सकती है, हल्का पंचायत लगा सकती है। हल्का पंचायत के पास क्या होती है, पावर्स होती है कि वो क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है लोगों के ऊपर। अब हमारे पास आता है चैप्टर 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 में हमारे पास क्या आता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मीटिंग, कैसे इनकी मीटिंग्स होती हैं, कैसे क्या होता है हल्का पंचायत का, वो सब किसके अंडर आता है, चैप्टर 5 के अंडर आता है। ठीक है, तो मीटिंग कैसे होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरपंच की ड्यूटी होती है मीटिंग कंडक्ट कराना किसकी, हल्का पंचायत की, किसकी, हल्का पंचायत। एक जो सरपंच होता है उसका ये ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, मीटिंग कंडक्ट कराए किसकी, हल्का पंचायत की। ठीक है, उसके बाद जो सरपंच होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं हल्का पंचायत के, वो कोई फाइनेंशियल हो या कोई भी किसी भी तरह के रिकॉर्ड जो होंगे हल्का पंचायत के, वो सारी किसकी ड्यूटी होती है, एक सरपंच की ड्यूटी होती है कि वो मेंटेन करके रखे। ठीक है, दो चीजें। उसके बाद तीसरी चीज इसमें आती है कि हल्का पंचायत की जो मीटिंग है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पीछे भी बताया वीडियो में कि कम से कम महीने में एक बार जो है हल्का पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए, और ये जो मीटिंग होगी कौन कंडक्ट कराएगा, सरपंच। तो ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कि मीटिंग कौन कंडक्ट कराएगा, सरपंच की ड्यूटी है। ठीक है, और सरपंच ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं हल्का पंचायत के, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सरपंच। और तीसरी चीज क्या होती है, महीने में एक बार जो उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए किसकी, हल्का पंचायत की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे एक चीज आती है, फंक्शंस किसके, सरपंच और नायब सरपंच के। ये हमारे पास सेक्शन 25 जो है इस एक्ट की, उसके अंडर बताया गया है कि क्या क्या फंक्शंस हैं सरपंच और नायब सरपंच के। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो ऊपर से ही निकल के आ जाता है कि ये पहला फंक्शन इसका होता है, जो भी हल्का पंचायत की मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करना, मतलब उसको हेड करना, किसकी ड्यूटी होती है, सरपंच की। किसकी ड्यूटी होती है, सरपंच की। और दूसरा हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी फाइनेंशियल पैसे के रिकॉर्ड हो गए या हल्का पंचायत के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस सबका जो रिकॉर्ड होता है वो किसके, किसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, सरपंच को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसका फंक्शन है क्या, एक तो मीटिंग को प्रिसाइड करना हल्का पंचायत की, और दूसरी क्या, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है, जितने भी फाइनेंशियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अब हल्का पंचायत जो होगा वहां पे भी उसका थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जैसे पंचेस को कंट्रोल करना है, किसको क्या ड्यूटी देनी है, पंच को क्या बोलना है, तो जितना सभी हल्का पंचायत के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको सब एग्जीक्यूट, वो सारा किसके अंडर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन सरपंच के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, सरपंच ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं,
और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा हल्का पंचायत का उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये किसकी ड्यूटी होती है, सरपंच की ड्यूटी होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है, अगर बाई चांस सरपंच प्रेजेंट नहीं है, किसी मीटिंग में सरपंच नहीं आया है, तो उसकी एब्सेंस में जो नायब सरपंच होता है वो क्या करता है, मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, क्या करेगा, मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये उनकी ड्यूटी होती है। इस तरह से हमारे पास फंक्शंस होते हैं किसके, सरपंच और नायब सरपंच के, जो सेक्शन 25 में मेंशन किए गए। क्या क्या फंक्शंस है, एक तो सरपंच का फंक्शन है कि वो मीटिंग को प्रिसाइड करेगा हल्का पंचायत की, और उसके बाद होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे वो कौन मेंटेन करके रखेगा, हल्का पंचायत के सारे सरपंच मेंटेन करके रखता है। और दूसरा पॉइंट है कि जितने भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फाइनेंशियल, कैसे पैसे का लेन देन हो, जो काम आ रहे हैं, किसको पैसे देने, किसको क्या करना, वो सारे रिकॉर्ड्स भी कौन मेंटेन करके रखता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हल्का पंचायत का होता है वो किसके पास आता है, सरपंच के पास आता है। और अगर बाई चांस सरपंच किसी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में जो होता है नायब सरपंच क्या करता है, मीटिंग को प्रिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, जो हल्का पंचायत वाला पोर्शन था हमारा, सबसे पहले जब मैंने एक्ट में बताया था कि इसमें क्या बोला था इन्होंने कि हल्का पंचायत होनी चाहिए कहाँ पे, विलेज लेवल पे, ठीक है। तो पहला जो इसका पोर्शन था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक है वो हमारे किसके साथ डील करते हैं, हल्का पंचायत के साथ डील करते हैं। किसके साथ डील करते हैं, हल्का पंचायत के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हल्का पंचायत का जो फर्स्ट इसका स्टेप था वो हमारे पास जो सबसे लो लेवल पे था, जो पंचायत वाला था, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। और इसके अंडर आपको शेड्यूल्स आते हैं जो हल्का पंचायत से डील करते हैं। क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि कौन सा शेड्यूल किससे डील करता है, तो मैं आपको वो हल्का पंचायत वाले शेड्यूल बता दूं। टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, 3 अभी डिस्कस करेंगे, 3 आगे जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हम पढ़ेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में आएंगे उधर हम डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल जो हमारे पास 1A होता है वो हमें क्या बताता है, शेड्यूल 1A में हल्का पंचायत के फंक्शंस जो है वो शेड्यूल 1A में, हल्का पंचायत के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन वो आते किसके अंडर है, शेड्यूल 1A के अंडर आते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1B हमारा जो सेकंड शेड्यूल है, हमें क्या कहता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो स्टाफ प्रोवाइड करे, किसको, हल्का पंचायत। हल्का पंचायत के पास अपना स्टाफ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हल्का पंचायत को स्टाफ करे। इस एक्ट के अंडर कुछ भी उन्होंने प्रोसीडिंग्स करनी है, कुछ भी काम इस एक्ट के अंडर करना है, अगर उनको किसी की जरूरत है तो हल्का पंचायत, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि क्या करे, वो हल्का पंचायत को क्या करे, स्टाफ प्रोवाइड करे। इस एक्ट के तहत कोई भी काम वगैरह उन्होंने करना है अगर, तो इसके लिए, ठीक है। और शेड्यूल 3 जो है वो हमारे पास क्या कहता है कि हल्का पंचायत के जो फंड्स होते हैं उनको कौन ऑपरेट करता है, या तो सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में हमने खत्म किया है हल्का पंचायत वाला सेक्शन, ठीक है। पंचायत वाला सेक्शन जो इसमें था हमने डिस्कस किया है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, जो मैंने आपको बता दिया कि हल्का पंचायत का क्या होता है, हल्का पंचायत के पावर्स क्या होते हैं, हल्का पंचायत होती क्या है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, फिर उनके पावर्स फंक्शंस क्या होते हैं, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनको फंड्स कहां से मिलते हैं, ठीक है, और उनकी मीटिंग्स वगैरह कैसे होती हैं, सरपंच के फंक्शंस क्या होते हैं, नायब सरपंच के फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहां तक जो हमारा हल्का पंचायत वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।